गाइस, मैंने आपको एक कटोरी ब्लाउज में डिजाइन का एक लगाना बता रही हूँ आपको। ये डिजाइन आपको जिसकी कटिंग बताई थी मैंने आपको, अभी मैं आपको ये बताऊंगी ये डिजाइन मैंने कैसे लगाया है। मेरी कटोरी ब्लाउज है ये, आप भी इसी तरह से सीखें, इसी तरह से बनाएं। देखो इस तरह से फिनिशिंग आई है इसमें। और अब मैं इस डिजाइन को बताती हूँ आपको मैंने इसको कैसे बनाया। पहले इसको मैंने सिला जैसे, तो फिर उसके ऊपर पाइपिंग नहीं करनी है, पहले ब्लाउज को सिलना है, दोनों शोल्डरों को ज्वाइन करके फिर उसमें ऐसे काट के आप ही ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लें कपड़ों के। मैंने दो कलर के लगाए हैं ताकि अच्छा दिखेगा, करके ऐसे काटें चौकोन पे, ऐसे काट के फिर ऐसे फोल्ड कर लें ऐसे, फिर एक त्रिकोण टाइप का ऐसे बनाएं, ऐसे बना के। और जो हमारा ये जिसमें हम पाइपिंग लगाते हैं उससे पहले हमको ये सिलना है। ये हर जगह पे देखो ऐसे रखना है, इनको ऐसे रख के पूरे पे सिल देने का है इसको एक एक करके। और हो सके तो आप अगर एक एक करके, आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इनको सबको एक ही साथ सिलें। मैं एक ही साथ सिली थी, फिर बाद में काट लेना धागा को ऐसे करके, एक ही साथ सिल के इनको फिर धागा काट लेना ऐसे, एक साथ इनको सब जगह पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखो ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे करके सब बना लें। अगर आपको ये सीखना होगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, पूरा करके ऐसे पूरे पे सिल लें इनको चौकोन कपड़ा करके। आप भी बनाएं इसी तरह से।